और रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान गुजरात के वडोदरा में हिंसा के बाद अब पूरी रात पुलिस का एक्शन जारी रहा। 1800 से ज्यादा जवान अब इस इलाके में तैनात किए गए हैं। हाथी थाना इलाके में गश्ती के लिए 1800 से ज्यादा की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच की टीम भी इस दौरान पुलिस के साथ मौजूद रही। पुलिस ने अब तक उपद्रव करने वाले 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। वडोदरा में गुरुवार की दोपहर के बाद से जिस तरह से रामनवमी के जुलूस को टारगेट किया गया, रामनवमी के दौरान निकलने वाली शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ और जो हिंसक वारदातें हुई वडोदरा के अलग अलग इलाकों में रामनवमी के रूट पर, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। क्योंकि बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगा ये हादसा था, जिसके बाद पूरी रात वडोदरा में ये ऑपरेशन चल रहे हैं अलग अलग गलियों में या हाथीखाना के इलाके में, जो कि एक तरह से केंद्र बिंदु रहा इस पूरी हिंसक घटनाओं का। वहाँ पे पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं अलग अलग गलियों में। करीब 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरे इलाके में घूम करके गश्त लगा रहे हैं। ऐसे त्यौहार में सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कई छोटे लोग ग्रुप हैं जो क्रिमिनल टाइप के हैं, वही लोगों ने इसको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।